हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलवेज जितर में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें हमेशा ही प्रॉब्लम होती है कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने में। कई बार दोस्तों हमने ये देखा होगा कि आपके जो है आपने 11 प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट की है और उसमें में से 11 के 11 प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर होता है जिसको आपकी टीम ने कैप्टन बनाया लेकिन वो उतना पॉइंट नहीं देता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो इस वीडियो में मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और मुझे लगता है कि ये टिप्स आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आईपीएल के मैचेस खेलो, आप बीपीएल की खेलो, सीपीएल की खेलो या फिर कोई और लीग खेलो, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपके फेल हो जाते हैं तो आपकी टीम जो है पूरी तरह से फेल हो जाती है। 90% अगर आपका कैप्टन चलता है फिर भी आपकी टीम जो है विनिंग जोन में होती है। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये हम कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे, बहुत से आपने वीडियोस देखे होंगे, मैंने एक से लेकर दो वीडियो बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दो वीडियो मैंने बताए थे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर और ये जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। बहुत से वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से सिलेक्ट करना है, ये आपको बता दिया जाता है कि इस तरह से सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि कॉन्टेस्ट वाइज आपको कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। देखिए, मेगा लीग अगर आप प्ले करते हो और 1 करोड़ वाली विनिंग की बात कर रहा हो यहाँ पे, तो उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपको अलग तरह से सिलेक्ट करना है। वही ग्रैंड लीग में आपको अलग तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे मिनी ग्रैंड लीग में, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अलग सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ 2-3 मेंबर्स या फिर 100 मेंबर्स तक की जो आप लीग ज्वाइन करते हो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अलग तरह से सिलेक्ट करना है। ऐसे नहीं है दोस्तों कि आपने मेगा लीग में जो कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट किया वही आप मिनी ग्रैंड लीग में भी सिलेक्ट करोगे, ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है। कौन सा रिस्क होगा ये हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले हमें ये देखना होगा मेगा लीग में जो मेंबर्स होते, पीपल होते, वो 51 लाख के ऊपर होते, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई रिस्क बना होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो ग्रैंड लीग में कम से कम मेंबर होते हैं, 15 लाख से 20 लाख मेंबर होते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन ऑप्शन होता है वो होता है यहाँ पे मिनी ग्रैंड लीग, जहाँ पे कम से कम लोग होते हैं, और उससे भी ज़्यादा सेफ ऑप्शन जो होता है वो होता है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं 2-3 मेंबर्स स्मॉल लीग, और यहाँ पे 100 मेंबर्स तक। लेकिन यहाँ पे भी प्राइस जैसी जैसी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे 51 लाख मेंबर्स में अगर आप खेल रहे हो तो आपकी जो प्राइस होगी पर टीम के हिसाब से 49 रुपीज़ या फिर 51 रुपीज़ होगी। वही अगर बात करेंगे आप ग्रैंड लीग प्ले कर रहे हो तो आपकी जो प्राइस होगी वो थोड़ा बहुत नीचे हो सकती है, जैसे 29 रुपीज़ या फिर हो सकता है 35 रुपीज़। वही अगर हम बात करेंगे मिनी ग्रैंड लीग की बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 मेंबर होते हैं या फिर 10,000 मेंबर होते हैं, लेकिन इसकी जो प्राइस होती है 399 होती है, या फिर होता है कि यहाँ पे 235 या फिर 300 तक भी प्राइस होती है। तो जितने कम मेंबर्स होगी उतनी ज़्यादा प्राइस होगी, लेकिन ऐसे में आपको टीम किस तरह से बनानी है, किस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों बात करेंगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक पे क्लिक करके ही आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, किसी भी तरह से सर्च नहीं करना है क्योंकि हमारे नाम से फेक चैनल भी ओपन हो चुके हैं। तो लिंक पे क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। अब दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी आप ग्रैंड लीग की टीम्स बनाते हो, नहीं जब भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते हो उससे पहले आपको ग्रैंड लीग की टीम्स बनाने आना चाहिए। देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग की टीम्स आप जब बनाते हो तभी जाके जो है आपके जो कैप्टन वाइस कैप्टन चलते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात दोस्तों यही होती है कि आपको जो है, जस्ट मिनट गाइस, ओके, आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले ये देखना होगा कि ग्रैंड लीग की टीम आप किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जो है आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप किस तरह से चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को ओपन करना है, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो ड्रीम इलेवन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 15 वीडियो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत से वीडियोज मैंने बनाए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे, और जैसे आप नीचे में आओगे तो नीचे में आपको ये वीडियो दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम्स कैसे बनाएं और ग्रैंड लीग में विन कैसे करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जो 25 लाख रुपए की ग्रैंड लीग विन की है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में विन की है, वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया इस वीडियो में कि आप किस तरह से जो है वो विन कर सकते हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपनाता हूँ वही मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे इस वीडियो को देखना है आपको, और उसको वीडियो को देखने के बाद ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का ये वीडियो देखना है, तब आप ग्रैंड लीग की टीम बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन पर चूज करना आप सीख जाओगे। अब दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मेगा लीग और ग्रैंड लीग, इन दोनों में ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से चूज करना है। आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिस्क आपको लेना है। अगर कोई प्लेयर 1% वाला भी होता है उसको भी आपको कैप्टन बनाना है। देखिए मेगा लीग की बात करेंगे तो देखिए 51 लाख लोगों में सिर्फ एक बंदा ऐसा होता है जो फर्स्ट प्राइज
1 करोड़ विन करता है, और वो भी बंदा ऐसा होता है जो किस्मत के बदौलत करता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके पास कितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो फिर भी आपका कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाता है, फिर टीम फ्लॉप हो जाती है। तो मेगा लीग में इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अब मेगा लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से चूज करना ये भी बताऊंगा, और ग्रैंड लीग की बात करेंगे तो जो मेगा लीग में आप टीम लगाते हो कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते हो वही सेम आपको जो है वो ग्रैंड लीग में भी लगाना है। देखिए मेगा लीग में कोई कॉम्बिनेशन कभी भी काम नहीं करता है, कितनी भी तरह की आप कॉम्बिनेशन बनाएं। हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 51 लाख लोगों में आप चाहे तो 100वें नंबर पे आ सकते हैं, या फिर आपका लक अच्छा रहा तो आप टॉप 50 में या फिर टॉप 10 में भी आ सकते हो, लेकिन फर्स्ट रैंक पे आना मतलब नसीब का ही खेल होता है। मैं तकरीबन 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग बॉलर, डेथ बॉलर, वेन्यू रिकॉर्ड, प्लेयर बैटर सब कुछ पता होने के बाद भी मेरा जो रैंक था वो 25th नंबर का रैंक था, जो कि 1 करोड़ की विनिंग में होता है। अब तक मैं एक फर्स्ट रैंक पर नहीं आया हूँ, तो ये किस्मत का खेल होता है। अब देखिए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है ये भी देखिए। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 प्लेयर पे ध्यान देना है। ये दोस्तों ये जो 4 से 5 प्लेयर होते हैं यही आपको ग्रैंड लीग की भी टीम जो है वो विन करा सकते हैं, ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। दोस्तों ये जो 4-5 प्लेयर होते हैं मतलब 5 प्लेयर होते हैं इनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है, लेकिन ये बात नहीं है कि जिसका सिलेक्शन कम होगा उसी को आपको कैप्टन बनाना चाहिए। ये तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसको बनाना चाहिए, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, ये सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात क्या है, देखिए जिसका सिलेक्शन 50% के ऊपर होगा वो प्लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। नीचे में मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का, वहाँ भी मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरह से आपको टीम कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना चाहिए। देखिए जिसका सिलेक्शन 50% के ऊपर होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए इस वीडियो में जो आपको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन का बताने वाला हूँ उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करनी होगी। आपको अगर ग्रैंड लीग विन करना है, मेगा लीग विन करना है, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, देखना होगा कि सिलेक्शन 50% के ऊपर जो प्लेयर्स है उनको चूज़ करना है, कितने प्लेयर्स सिलेक्ट करना है ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद 30-50% मतलब 30-50% के बीच में जो प्लेयर्स है उसको सिलेक्ट करना है, और आखिरी में 15-30% के बीच जो प्लेयर्स है उनको आपको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, देखिए ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप का, आपको पता है 152 रन पे कोई विकेट नहीं था पाकिस्तान का, चलो वो मैच छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे 50 से लेकर जो भी सिलेक्शन होता है 50% के ऊपर का सिलेक्शन होता है उस प्लेयर को आपको एक नोटबुक लेना है और पेन से आपको सभी प्लेयर्स को लिख लेना है कि ये जो प्लेयर्स है, जैसे कि IPL आ रहा है अभी तो IPL में भी आपको यही ट्रिक यूज़ करनी है। तो देखिए ये जो प्लेयर्स है इनका जो सिलेक्शन था T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में इनका सभी प्लेयर का सिलेक्शन 50% के ऊपर था, ठीक है। तो आपको पहले ये देखना, अब दोस्तों ये प्लेयर 11 भी प्लेयर हो सकते हैं, 12 प्लेयर भी हो सकते हैं, 13 प्लेयर भी हो सकते हैं, तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। अब आपने चूज़ कर लिया, आपने 11 प्लेयर या फिर जो भी मतलब 12 प्लेयर हो या फिर 13 प्लेयर हो, जितने भी प्लेयर हो 50% के ऊपर उनको आपको लिख लेना है, ठीक है। आपने कैटेगरी वाइज लिख लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है दूसरे पॉइंट में, उसके आपको 30% से लेकर 50 प्लेयर के 50% के बीच में जो प्लेयर होंगे 6 से लेकर 7 जो भी प्लेयर हो, 6 से 7 हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी प्लेयर हो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 30% से लेकर 50% के बीच में ही होने चाहिए, उन प्लेयर को आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। आपके पास अभी हो गया, आपके पास 50% के ऊपर वाले प्लेयर हो गए, उसके बाद आपके पास 30-50% के बीच वाले प्लेयर हो गए। अब जो फाइनल टचअप आता है वो आता है हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन का, लेकिन यहाँ पे करना क्या आपको, देखिए 15% से 30% के बीच वाले जो प्लेयर हो गए उनको आपको सिलेक्ट करना है, और यही होते हैं आपके मेगा लीग के कैप्टन और वाइस कैप्टन। लेकिन इनको भी सिलेक्ट करना कैसे है, आंखें बंद करके सिलेक्ट नहीं करना है, ये भी बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 15% से 30% के है, जैसे कि हार्दिक पांडे का जो सिलेक्शन है 25% है, वरुण चक्रवर्ती का 15% है, शोएब मलिक, आसिफ अली, इनका परसेंट जो है वो 20% से 30% के अंदर है, तो इन्हें हमें कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना चाहिए, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखना चाहिए, कोई लोग वीडियो थोड़ा सा देख के चले जाते हैं। तो देखिए इनको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना है कि पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मुंबई इंडियंस की और चेन्नई सुपर किंग की मैच होती है, ऐसे में जो प्लेयर्स निकल के आते हैं 4 से लेकर 5 प्लेयर ऐसे निकल के आते हैं जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा लो है। अब ऐसे में मान लीजिए कि 4 से लेकर 5 में से 2 प्लेयर ऐसे निकल के आए जो बॉलिंग सेक्शन में है जिनका सिलेक्शन 20% है, तो फिर आप कहोगे कि चलो इनका सिलेक्शन तो डाउन है, और आप मुझे मैंने आपको बताया है कि जिसका सिलेक्शन डाउन है उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। लेकिन पिच पे अगर बैट्समैन को सपोर्ट हो रहा है
तो आप फिर बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो आपकी टीम पूरी फ्लॉप हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है। पिच पे अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिल रहा है तो फिर जो 20% से लेकर 30% के बीच में जो प्लेयर होंगे वो बैट्समैन बैटिंग सेक्शन से होने चाहिए, उन पे आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर पिच बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है तो फिर 15 से 30% वाले जो बीच में प्लेयर होंगे जस्ट मिन गाइस, तो उनको बॉलर्स में से आपको सिलेक्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। और पिच अगर न्यूट्रल होगी मतलब बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों को भी सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे में जो ऑलराउंडर होंगे जो फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं साथ ही साथ चार ओवर कंप्लीट करेंगे, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। और कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा पिच के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा लोएस्ट सिलेक्शन होगा उसका। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप यहाँ पे मेगा लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ही यूज कर सकते हैं। और नीचे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि मिनी ग्रैंड लीग आप किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने तीन चीजें नोटिस की। सबसे पहले 50% वाला जो सिलेक्शन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आपने 11 प्लेयर जो है यहाँ पे 50% के ऊपर सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपने 7 प्लेयर वो सिलेक्ट किए जिनका सिलेक्शन जो है वो 30% से लेकर 50% है, और उसके बाद जो आपने 4 प्लेयर सिलेक्ट किए जिनका सिलेक्शन 15% से लेकर 30% है। तो ये प्लेयर कौन से होने चाहिए? ये बैटिंग पिच है तो बैटिंग सेक्शन से होने चाहिए, बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग सेक्शन से होने चाहिए, और अगर न्यूट्रल पिच है तो न्यूट्रल पिच है तो ऑलराउंडर सेक्शन से होनी चाहिए, और वही आपके कैप्टन वाइस कैप्टन भी होने चाहिए। मेनली मैंने देखा है दोस्तों 80% से ज्यादा 90% तक मैंने देखा है कि पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टीम बनाता है और कैप्टन वाइस कैप्टन पे रिस्क लेता है उसी की टीम जो है चलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्स्ट रैंक पे आती है, लेकिन ये जरूर करता हूँ कि 51 लाख लोगों में उसकी टीम जो है 100वें नंबर पे या फिर 200वें नंबर पे भी आ सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे मिनी ग्रैंड लीग की, तो मिनी ग्रैंड लीग में आपको बता दूं 4,000 से लेकर 10,000 तक मेंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए अगर 4,000 मेंबर है तो इसकी प्राइस जो होती है वो 299 होती है या फिर 300 होती है, ठीक है, इतने प्राइस होती है। और ऐसे में अगर आप 20 टीम लगाओगे तो आपके पास काफी ज्यादा पैसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं 1 करोड़ वाली विनिंग ग्रैंड लीग के पीछे मेगा लीग के पीछे भागते हैं क्योंकि पैसे कम है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे आप जीत सकते हैं, यहाँ पे ही आपको दिमाग लगाना है। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपसे ये झूठ बोलते हैं कि मैंने 50 ग्रैंड लीग विन की है, 100 ग्रैंड लीग विन की है, वो झूठ बोलते हैं, वो मिनी ग्रैंड लीग में ही विन करते हैं लेकिन आपको बताते नहीं है। आपको सिर्फ यही बताते हैं कि मैंने 50 विन की है, 100 विन की है, लेकिन ग्रैंड लीग विन करना महीने में एक बार भी अगर आप ग्रैंड लीग विन करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसे कॉन्टेस्ट में रिस्क लेना कम करते हैं, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि देखिए मान दीजिए मेरे 300 रुपये जा रहे एक टीम के पीछे और मैं 10 टीम भी लगाते हो तो मेरे 3,000 रुपये जा रहे, तो मैं ऐसे में कहूंगा कि मेरे जितने लगाए उतने वापस आ जाए, तो मैं ऐसे में क्या करूंगा, रिस्क उतना नहीं लूंगा। मैंने नोटिस किया है दोस्तों 70% टू 80% मुझे लगता है कि रिस्क नहीं लेते हैं। ऐसे में अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो फिर आप जो मेगा लीग वाली टीम है वो भी लगा सकते हैं, ग्रैंड लीग वाली भी टीम लगा सकते हैं। लेकिन मिनी ग्रैंड लीग की वाली अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा लोग नहीं लेते। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन वो काफी ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा है उसको कैप्टन बना देंगे, लेकिन कोई बंदा ऐसे होगा कि जिसको पता होगा कि न्यूट्रल पिच है हार्दिक पांड्या चल सकता है या फिर यहाँ पे रविंद्र जडेजा चल सकता है, तो वो रोहित शर्मा को कैप्टन नहीं बनाएगा, वो हार्दिक पांड्या को रिस्क लेकर कैप्टन बनाएगा क्योंकि वो 4 ओवर कंप्लीट कर सकता है और बैटिंग करने के लिए 5th या 6th नंबर पर आ सकता है। तो थोड़ा बहुत ये लॉजिकली आपको सोचना पड़ता है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग लो अमाउंट में प्ले करते हैं, मतलब उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ये लो अमाउंट का जो है यहाँ पे उतना पॉइंट आप ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों ऐसे में यहाँ पे आप चाहे तो मेगा लीग या ग्रैंड लीग की भी टीम लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा खर्च होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये जो है ये मिनी ग्रैंड लीग का हो गया। अब दोस्तों नीचे में अगर बात करेंगे तो नीचे में कोई ऐसा नहीं है। अब बात करेंगे 2, 3, 4 मेंबर्स, ये लिखना मैं भूल गया, 2, 3, 4 मेंबर्स, ये होती है दोस्तों स्मॉल लीग की टीम। अब स्मॉल लीग की टीम में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से सिलेक्ट करने, देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप स्मॉल लीग की टीम में सिलेक्ट करते हो तो आपको करना क्या है, आपको कम से कम रिस्क लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच है, एक तरफ बाबर आजम है और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे रोहित शर्मा है, तो हम तो इंडिया की टीम को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं रोहित शर्मा को कैप्टन बनाऊंगा क्योंकि मुझे सेफ जाना है। वाइस कैप्टन मैं बाबर आजम को बनाऊंगा क्योंकि मुझे 2-3 मेंबर्स में खेलना है, कम से कम रिस्क लेना है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी टीम विन हो जाए। लेकिन दूसरा बंदा ऐसा है जिसके लिए ये जो है वो एक फन गेम है, मतलब उसके कोई पैसे मायने नहीं रखते, वो फन के लिए खेलता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हो जाएगा यहाँ पे फखर जमान को कैप्टन बना सकता है या फिर मोहम्मद हाफिज को बना सकता है या फिर रविंद्र जडेजा को भी बना सकता है, ऋषभ पंत को बना सकता है, किसी को भी बना सकता है। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो सेफ आपको कैप्टन बनाना चाहिए। और वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो पिच के अकॉर्डिंग आपको वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। अगर बैटिंग पिच है तो आपको देखना चाहिए कि चलो इंडिया के विकेट जा सकते हैं क्या, फिर ऋषभ पंत जो है वो 4th नंबर पर आएगा तो ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना दीजिए जो अच्छा स्कोर कर सकता है।
तो ये सब कुछ आपको पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये था आज का वीडियो, और अगर आपसे कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं 100% आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हो गए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको जो भी वीडियो मिलेगी सब कुछ मैंने बता दिया, कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंडिक कैसे प्ले करना है सब कुछ मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जो बेल का उस पर क्लिक जरूर करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।